राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूकी की तरफ से ऑनलाइन इवेंट ईच वन एडॉप्ट वन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। इस प्रोग्राम में राजस्थान के सरकारी विद्यालय के होनहार 15 छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा के सहयोग के लिए गोद लिया गया। इन छात्रों की हर तरह की शिक्षा जिसमें किताबें, कोचिंग फीस, मेडिकल, इंजीनियरिंग सही सभी तरह की शिक्षा शामिल है और उनका खर्च राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके के वॉलंटियर्स की तरफ से उठाया जाएगा। राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके ने अब तक करीब 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकारी विद्यालयों के 1000 से भी ज्यादा गरीब और होनहार बच्चों को प्रदान किया है। इसके अलावा राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके भारत और यूके में राजस्थानी संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाता रहा है। राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके के ईच वन एडॉप्ट वन कार्यक्रम में देश और विदेश, भारत, यूएसए, यूके, कनाडा के गणमान्य और समाज सेवी मेहमानों ने शिरकत की। इस ऑनलाइन इवेंट में आईएएस आरएएस अधिकारियों, समाज सेवियों, उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों आदि ने अपने अनुभव शेयर किए। राजस्थान के आईएएस डॉक्टर आरुषि मलिक ने राजस्थान में शिक्षा की बेहतरी के लिए 3 सूत्रीय प्लान बताए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गरीब बच्चों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस पर फोकस किया। साथ ही स्टूडेंट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बीच की खाली जगह भरने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हुए राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके से सहयोग की अपील की। आईएएस सौरभ स्वामी ने शिक्षा विभाग राजस्थान में ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए किए गए शिक्षा सुधारों की चर्चा की। शिक्षा के नए माध्यम से यूट्यूब चैनल एकाक्षा के बारे में बताया, जहां बेहतरीन आपको कक्षा 6 से 12 तक के सभी विषय की वीडियोस, एनसीईआरटी सिलेबस एंड चैप्टर वाइज वीडियोस बनाई हैं, तथा कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए आओ घर से सीखे अभियान के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही हर विद्यालय में रेटिंग सिस्टम शुरू करने के बारे में बताया है। दिलीप परिहार ने गरीब छात्रों को आगे बढ़ने के लिए सहयोग की अपील की और राजस्थान सरकार के अडॉप्ट ए स्टूडेंट विजन के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा दानदाता और जरूरतमंद छात्रों के बीच में संपर्क बनाने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में बताया, जिसमें आज तक करीब 175 करोड़ रुपए का काम अलग अलग वर्गो में सीधे दानदाता की तरफ हो चुका है। इसमें अगले साल से जरूरतमंद छात्रों की सूची बना के पोर्टल पर शेयर करने की बात भी बताई। आरएएस हनुमान ढाका ने राजस्थान सरकार द्वारा खोले जाने वाले अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के बारे में जानकारी दी और अभाव में रहकर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की सहायता के लिए राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके को धन्यवाद दिया। प्रतीक झांझड़िया ने उदाहरण देते हुए दान की महत्ता के बारे में बताया। साथ ही श्रम विभाग राजस्थान की तरफ से मजदूरी का काम करने वाले बच्चों को श्रम विभाग राजस्थान द्वारा 25,000 रुपए तक दिए जाने वाले छात्रवृत्ति के बारे में बताया। अमेरिकन निवासी डॉक्टर घासीराम वर्मा, जिन्हें गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा की मदद की वजह से करोड़पति फकीर भी कहा जाता है, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और पुराने जमाने से मारवाड़ी सेठों द्वारा मरुद्रा शेखावाटी में किए जाने वाले योगदान के बारे में बताया। कनाडा निवासी ने डॉक्टर रामदेव मेहता ने शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य के बारे में भी बताया और काम करने को जरूरी बताया और अपने द्वारा चलाए जाने वाले एनजीओ जिनमें ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान सीकर और प्रयास प्रगतियान संस्थान प्रमुख है, उनकी जानकारी दी। साथ ही विदेश से इंडिया फंड ट्रांसफर करने में ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम को थोड़ा सरल बनाने का अनुरोध सरकार से किया, जिसे विदेश में बैठे समाज सेवी राजस्थान के गरीब छात्रों की बेहतर तरीके से मदद कर उनके जीवन स्टार को बेहतर बनाया जा सके। डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने बताया है कि शिक्षा की बेहतरी के लिए अपने अनुभव और विचार साझा किए हैं, साथ ही ब्लॉक और गांव स्तर पर छात्रों को मार्गदर्शन के बारे में भी उन्होंने बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कई विषयों के बारे में और चर्चा की थी, जिसके अंदर दिलीप परिहार ने गरीब छात्रों को आगे बढ़ने के लिए बारे में बताया है और हनुमान ढाका ने राजस्थान सरकार द्वारा खोले जाने वाले विद्यार्थी के लिए जो स्कूल हैं उनके बारे में बताया है। इसके साथ ही डॉक्टर रामदेव मेहता ने शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य के बारे में बताया है और ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को थोड़ा सरल बनाने के अनुरोध भी सरकार से किया गया है। शिक्षा पर ध्यान की बात कही, देवेंद्र शर्मा ने मॉडर्न और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के कॉम्बिनेशन पर फोकस करने का सुझाव दिया। ख्याली सारण ने कम शिक्षा की वजह से अपने संघर्ष के बारे में बताया और अपने द्वारा एनडीए में प्रवेश के लिए ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जाने वाले प्राइवेट ओएसिस सैनिक स्कूल के बारे में बताया, जहां पर गरीब छात्रों को बहुत ही कम फीस में क्लासेस अवेलेबल करवाई जाती है। डॉक्टर महेंद्र कुमार ने राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके द्वारा किए जाने वाले छात्रवृत्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भी सुझाव दिए। राजपाल शोरण ने किताबी शिक्षा के साथ साथ खेल और शारीरिक शिक्षा के सपोर्ट के लिए भी जोर दिया और इसके अलावा विद्यालयों से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी सुझाव दिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झुंझुनू की प्रधान अध्यापिका विनोद जानू ने बताया कि
विद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों, निवासियों तथा स्वयं सेवक समूह के लिए मिले जुले प्रयासों से आज विद्यालय में छात्रों की संख्या 1600 से 1900 पहुंच गई है और जरूरतमंद विद्यार्थी आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर रामचंद्र घासन ने राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूकी के कार्यों की सराहना की और सभी मेहमानों को सुझाव और सहयोग के लिए धन्यवाद प्रदान किया। राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूकी के फाउंडर, ट्रस्टी एंड वॉलंटियर सुरजीत ढाका, अनिल कुल्हार, हनुमंत सिंह राजपुरोहित, अचल सोनी, सुरेश खीचड़, विनोद भादु, राजेंद्र कड़वासरा, आजाद, सुमन, नरेंद्र मंडीवाल, विनोद नेहरा, चंद्रदीप तिवारी, अंजू कुल्हार, रचना ढाका, बिंदु चौधरी, सूर्य सोनी, जो कि सभी राजस्थान से हैं और अब यूकी के निवासी है। उन्होंने कार्यक्रम के सभी मेहमानों का स्वागत किया और अपने जीवन में आए संघर्षों के बारे में बताया, जिसकी वजह से इन सबको राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में चैरिटी के लिए मोटिवेशन मिला है। ईच वन अडॉप्ट वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम का ऑनलाइन संचालन रचना ढाका ने किया है। सभी मेहमानों ने राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले योगदान की प्रशंसा की और इससे काम के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से ट्रस्ट को हर तरह का सहयोग देने का भरोसा दिलाया।